हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिएगा, आज हम आपको ये गोपाल जी के लिए चोली बना के बताएंगे। तो देखिए, चोली हम बनाएंगे, हमने एक लहंगा बनाया है उसके साथ की। तो लहंगा हमने देखिए तीन कलर से बनाया है। एक ये वाला कलर है हमारा लाइट फिरोजी, और मेहरून कलर है और ऑरेंज कलर। तो चोली को हम बनाएंगे दो कलर से, रेड कलर और ये लाइट फिरोजी कलर है इस कलर से। तो फ्रेंड्स आप अपने पसंद का कोई भी कलर ले लीजिएगा जो आपको पसंद हो। तो देखिए दो कलर से चोली को हम बनाएंगे। तो दो से तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। तो इसमें हमने देखिए पहले जो गले का बॉर्डर बनाया है ये लाइट रोजी से बनाया है। उसके बाद में देखिए चोली हम बनाएंगे रेड कलर से। तो ये चोली बनाने के लिए हमने देखिए इसमें यहाँ पे 15 फंदे डाल लिए हैं। 15 फंदे डालने के बाद में ये हमने दो सिलाई देखी सीधे तरफ से और दो उल्टे तरफ से, दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए टोटल 4 सिलाई हमने गले के बॉर्डर के लिए बना ली है। अब उल्टे साइड से हमने ये रेड कलर को भी बना लिया है। तो देखिए अब इसमें जाली डालते हैं चोली बनाने के लिए। पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये एक जाली डाली यहाँ पे देखिए, और ये दो जाली डाली। एक फंदा सीधा बाजू के लिए, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे एक जाली डाली, फिर धागे को अपनी तरफ किया और ये दो जाली डाली। अब देखिए इधर हम एक फंदा सीधा, दो जाली, एक बाजू का और दो जाली, और तीन फंदे सीधे आएंगे। तो इनको हम बीच में तीनों फंदों को सीधा बना लेते हैं इस तरीके से। तीन फंदे सीधे बना लिए। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, यहाँ पे एक जाली डाली और धागा अपनी तरफ, दो जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा दूसरी बाजू के लिए, फिर धागे को अपनी तरफ किया, एक जाली डाली यहाँ पे, ये दूसरी जाली डाली और एक फंदा ये सीधा। इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे जालियाँ डाल ली हैं। अब उल्टी तरफ से सभी फंदों को ये उल्टा उल्टा बनाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए इस तरीके से इसको उल्टी तरफ से भी बना लेते हैं। तो देखिए एक जाली हमने इसमें डाल ली है, अब दूसरी जाली डालेंगे ये सीधा, और ये जाली वाले को भी सीधा बनाएंगे। अब देखिए जो बीच में फली वाला फंदा है इस पे जाली डालेंगे, धागे को अपनी तरफ किया इस तरीके, सीधे फंदे पे ये जाली डाली और दूसरी जाली ये जाली पे डाली। देखिए अब ये दो फंदे सीधे बाजू के लिए हैं यहाँ पे। ये जो जाली वाला फंदा है इसको भी देखिए सीधा बनाएंगे और धागे को अपनी तरफ करेंगे। इस पे देखिए ये फंदा हमारा सीधे सीधे जाता है, इस पे जाली डाली, धागा अपनी तरफ, दूसरी जाली ये जाली पे डाली। अब बीच में जो सीधे फंदे हैं इनको सीधा बनाएंगे पीछे के पार्ट के लिए, ये इस तरीके से जाली को भी सीधा, और फिर से धागा अपनी तरफ, इस फंदे पे फिर से जाली डाली और दूसरी जाली ये जाली पे, और ये दूसरी बाजू के फंदे इनको सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से। अब देखिए इस पे जाली डाली और दूसरी जाली ये जाली पे, और ये सीधे फंदे हैं इनको इस तरीके से सीधा सीधा बना लिए। तो इसमें हम 4 जाली बना लेंगे। देखिए 2 जाली हम बना चुके हैं। तो जैसे अब हमने जाली बनाई है तो सेम तरीके से ये जाली पे जाली हम डालते हुए तो 2 जालियां और डाल लेते हैं। 2 हमारी डल चुकी हैं तो सेम तरीके से जाली डाल लेते हैं। 4 जालियां हमारी इसमें देखिए बन चुकी हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, 4 4 जालियां हमारी यहाँ पे बन गई हैं। तो देखिए अब हम इधर से घिया इसको लाइट रोज कलर को बनाते हुए चले आए हैं। तो देखिए लाइट रोज कलर से हम बाजू बंद करते हैं इस तरीके से। पहला फंदा देखिए 2 3 4 5 और ये 6, देखिए 6 फंदे हमने ये यहाँ जाली तक के फंदे देखिए आगे के पार्ट के लिए बना लिए हैं। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे, जाली के बीच के जो फंदे हैं इन फंदों को देखिए यहाँ पे 2 4 6 8 10 फंदे हैं।
इन 10 फंदों को हम देखिए बाजू के लिए बंद कर देते हैं। यहाँ पे 2 का 1 करते हुए इस तरीके से 2 का 1 किया, वापस से सिलाई में डाला, फिर से 2 का 1 किया, वापस से सिलाई में डाला। इस तरीके से 10 फंदों को बाजू के लिए बंद कर लेते हैं। जाली से जाली तक का सीधा हिसाब हो जाता है। देखिए इसमें काउंट वगैरह करने की कोई वो नहीं होती जरूरत। देखिए ऐसे हमने बाजू के लिए बंद कर दिए हैं। अब जो हमारे बीच के फंदे देखिए जाली से जाली तक के 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ये 14 फंदे हम बना लेते हैं। इसके लिए पीछे के पार्ट के फंदों को इनको उल्टा उल्टा बना लेते हैं, ऐसे ही बिना बंद करें। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से ये एक सुंदर सी प्यारी सी चोली बनके इस तरीके से देखिए आसानी से तैयार हो जाएगी। इस तरीके देखिए यहाँ तक जाली तक बना ली। फिर से दूसरी बाजू के लिए ये दूसरी साइड के जो जाली के फंदे हैं जाली से जाली तक के इनको बंद कर लेते हैं 2 का 1, 2 का 1 करते हुए। अगर आप एक फुल स्लिप का बनाना चाहें तो देखिए इन फंदों को पिन में डाल के और चोली बनाने के बाद में आप इनको बना लीजिएगा। इस तरीके से देखिए अब ये धागा पीछे किया, इनको सीधा बना लेते हैं 3, 4, 5, 6 फंदे देखिए इधर है हमारे आगे वाले पार्ट के लिए और 6 फंदे हमारे इधर हैं और बीच में हमारे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 फंदे हमारे पीछे के पार्ट के हैं। तो देखिए बाजू तक हमारी ये चोली बन गई है। अब हम जो हमारे 3 पार्ट में देखिए फंदे हो रहे हैं इनको हम एक साथ बनाएंगे इस तरीके से। देखिए ये इस तरीके से अब रेड कलर से बनाएंगे। ये बना ली हमने देखिए आगे पार्ट के फंदे और यहाँ पे हम पीछे वाले पार्ट के फंदे बनाएंगे। बाजू हमारी यहाँ पे बंद हो चुकी है। देखिए दूसरी बाजू के फंदे हैं इसको बिल्कुल इस तरीके से लाते हुए देखिए सभी फंदे हमारे यहाँ पे ये बन गए एक साथ। देखिए सभी फंदे बन गए और ये बाजू इस तरीके से हमारी बन गई। देखिए तो अब 6 से 8 सिलाई हम उल्टी तरफ से उल्टी और सीधे तरफ से सीधी बनाते हुए देखिए इस तरीके से सीधे तरफ से इस तरीके से बनाएंगे सीधा सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा बनाते हुए इसमें 6 से 8 सिलाई हम बना लेते हैं कमर के लिए। तो देखिएगा ये हमारी यहाँ पे 6 सिलाई है। 6 सिलाई बनाने के बाद में हमने देखिए 1 सिलाई उल्टी बना ली जिससे हमारा बॉर्डर अच्छे से बन जाए। तो चोली बनके हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो बना लेते हैं बॉर्डर। तो बॉर्डर ये कंगूरे वाला बनाएंगे। तो देखिए हमने आपको कटमा जो कंगूरे होते हैं पिछली वीडियो में बना के बताया है, हमने काफी सारी वीडियो में बनाया है। तो कल वाली वीडियो में हमने बनाया था जो लहंगा बनाया था उसमें हमने ये बॉर्डर बनाया था। तो उसी तरीके का हम बॉर्डर इसमें भी बना लेते हैं चोली में। पहला फंदा उतार के देखिए जो एक एक फंदा हम करके इस वाली सिलाई में से बनाते हैं यहीं से वापस हो जाते हैं। तो वो वाला बॉर्डर हम इसमें इस तरीके से बना लेते हैं आपको फिर दिखाते। तो देखिएगा ये चोली बन के तैयार हो गई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है बॉर्डर। हमने यहाँ पे स्टोन लगा दिया है, ऊपर एक मोती लगाया है। तो देखिए ये तो हमारी चोली हो गई और ये हमारा हो गया लहंगा। देखिए हमने इसके साथ का ये रेड कलर चोली बनाया है और देखिए कॉम्बिनेशन मिला दिया है। ये जो हमारा है लाइट रोजी कलर इसमें हमने लहंगे के घेरे में बनाया है। तो जो हमारा वेस है इसका लहंगे का उसको हमने बनाया है इसी कलर से। तो देखिए इस तरीके से हमारी ये चोली लहंगा आएंगे। तो देखिए 2 से 3 नंबर लड्डू गोपाल जी को अच्छे से ये हमारी चोली लहंगा आ जाएंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही तरीके से हमारे देखिए दोनों चीज बनके कंप्लीट हो गई है। अगर आपको
इनके साथ की चुन्नी भी देखनी है। तो देखिए कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको चुन्नी भी सीखना है। फ्रेंड्स हम आपको चुन्नी भी बना के बताएंगे। देखिए इसको बनाना बहुत ही बहुत ही आसान है। देखिए और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने देखिए दोनों चीज़ों को ये बना दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी लहंगा चोली कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स बने रहिए हमारे चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।